कांग्रेसी लीडर उदीघर ने हमारे हाईटेक न्यूज से बात करते हुए कांग्रेसी सदर राहुल गांधी के हैदराबाद के दौरे पर खुशी और मसरत का इजहार करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। जय हिंद साथियों, आज हमारे तेलंगाना के लिए बहुत खुशी बात है। ये जो राजीव गांधी सद्भावना यात्रा जो है, ये एक ऐसी शुरुआत थी राजीव गांधी साहब की जो 90 के अंदर हमारे पास तेलंगाना में आकर, तब यूपी था हमारा स्टेट, आकर के सद्भावना यात्रा चारमीनार के पास से शुरू की थी। उन्होंने सद्भावना यात्रा के जो मायने हैं, सच जगाओ और उसके साथ चलो, इसके ये मायने हैं, सच जगाओ और उसके साथ चलो। तो हम राजीव गांधी साहब ने जो शुरुआत की थी वो एक कम्युनिज्म ख़त्म करके सेकुलरिज्म को जिंदा करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये शुरुआत की थी, ताकि हिंदुस्तान हमेशा बना रहे गंगा जमुना तहजीब में। और सच हमारे हिंदुस्तान का यही है कि गंगा जमुना तहजीब हमारे हिंदुस्तान की विरासत है। कुछ देखने में आता है कुछ सालों से, जो ये शुरुआत तो 90 से पहले से ही हो गई थी, उसी को नज़र में रखते हुए उन्होंने ये यात्रा निकाली। तो आज उन कम्युनिज्म ताकतों ने एक बहुत बड़ी अपनी ताकत बनाकर कम्युनिज्म को ख़त्म करना चाह रही। मैं तमाम हिंदुस्तान के आवाम से अपील करूंगा कि इस बात के लिए कि वो इस बात को पहचाने, समझे, क्योंकि आदमी जो सच हो वही सच चीज़ है। कि सच यही है कि हम सब भाई भाई हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान हम अगर कोई मज़हबों के नाम से बांटना चाह रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। ये हम हिंदुस्तानी इस बात को बढ़ने नहीं देंगे। और इस सद्भावना यात्रा जो है हमारी, इसको जो है हर साल हमारे सीनियर लीडर्स जो है चारमीनार के पास मनाते हैं, और आज आप सभी देख रहे हैं कि जो है इस यात्रा को जो है कितनी ज़ोरों शोर से चारमीनार के पास मनाया गया। और मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से और मेरे हिंदू भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आप जागिए, समझिए, उन कम्युनिज्म का खात्मा करते हुए सेकुलरिज्म ताकतों को आगे लाइए। और हिंदुस्तान में अगर बीजेपी का साथ अगर देना हो तो कम्युनिज्म को वोट देना।